नमस्कार, आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो कि भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुखवीर मलेना जी। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं और हम बताते हैं कि आखिर फरीदाबाद के अंदर ये सबसे ज्यादा किसानों के सपोर्ट में भी खड़े रहते हैं, तो आज हम इनसे बात करने आए हैं राम मंदिर को लेकर, जो कि 9 दिसंबर को एक विराट धर्म सभा का आयोजन करने जा रहे हैं, तो जो जिसके संयोजक है विश्व हिंदू परिषद। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि बीजेपी सबसे ज्यादा राम मंदिर के फेवर में होती है, और इनसे हम जानते हैं कि आखिर जो ये 9 दिसंबर को इतनी विराट धर्म सभा का आयोजन जो होने जा रहा है, इसके बारे में जरा थोड़ा सा बताइए। जी सुखवीर जी, 9 दिसंबर का अपना दिल्ली रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन जो किया गया है, विश्व हिंदू परिषद ने उसका आह्वान किया है जी, और उसमें हम समस्त किसान, पूरे क्षेत्र के किसान यहाँ से दल बल के साथ जाएंगे, क्योंकि राम एक हमारा आस्था का प्रतीक है जी। हम शमशान घाट में जाते हैं जब भी हम राम नाम सत्य का नाम जाप करते हैं, तो राम मंदिर हम बनवाएंगे। हम सरकार पर ऐसा प्रेशर देना चाहते हैं कि सरकार, यदि कोर्ट ने जैसे कहा कि हम अक्टूबर में इसकी सुनवाई करेंगे या ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, तो हमने सरकार कोर्ट को भी ये कहा है कि भाई ठीक है, फिर हम सरकार से अपील करेंगे, सरकार पर प्रेशर बनाएंगे कि हम ये अध्यादेश जारी किया जाए और राम मंदिर बनाया जाए। यदि सरकार नहीं बनाती है तो आर पार की लड़ाई है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम मंदिर बना के रहेंगे। ये रामलीला मैदान के अंदर जो विराट धर्म सभा होने जा रही है, क्या इससे सरकार पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, सरकार पर क्यों नहीं असर पड़ेगा, सरकार को दिखाने के लिए तो सब कुछ किया जा रहा है। क्या उसके बाद रामलीला मतलब राम मंदिर जो है उसका निर्माण हो पाएगा? आपके आपके विचारों से क्या लगता है, क्या ऐसा संभव है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस चीज पे अध्यादेश जारी करेगी, क्योंकि इसमें कम से कम पूरे भारतवर्ष में करोड़ों हिंदूवासी जी, जितने भी भारतीय लोग हैं, वो सब इकट्ठे एकत्रित हो रहे हैं। तो हमारा सिर्फ ध्येय एक है कि भाई सरकार जागे और इस चीज को मंदिर का उनके लिए जो कानून बनाए, कोई भी व्यवस्था तैयार करे। जनमानस की आवाज है, जनमानस आज हर बच्चा बच्चा एक ही आवाज लगा रहा है, जय श्री राम जय श्री राम। सीधी बात है, और राम हमारे आस्था के प्रतीक है। हम मंदिर चाहते हैं, मंदिर का निर्माण हो, एक भव्य निर्माण हो, ये हम चाहते हैं, और मंदिर हम बना के रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। इसमें सभी किसान भाइयों भी सभी आहुति दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, इसमें जो पक्ष विपक्ष हमें किसी से लेना देना नहीं है। इसमें जो मैं तो कहता हूँ, इसमें टोपी वाले भी हमारे साथ हैं, जो हमारे मोमडन भाई हैं, वो भी हमारे साथ खड़े हुए हैं वहाँ पे, कि भाई हम भी जो अयोध्या के आसपास के गांव के लोग हैं, वो खुद हमसे कह रहे हैं कि हम मंदिर बनाना चाहते हैं। विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो कहती हैं कि बीजेपी पार्टी राम मंदिर के ऊपर ही अपना मतलब जो सरकार उन्होंने बनाई है राम मंदिर के नाम पर ही बनाई, और उसके बाद भी अगर राम मंदिर निर्माण नहीं हो पा रहा तो आप क्या मानते हैं, इसमें किसका दोष? ऐसा कुछ भी नहीं है, बीजेपी पार्टी जो है ठीक है, राष्ट्रवादी विचार की पार्टी है जी, उसका हमेशा जो हमारे पूर्वज हैं उनकी तरफ हमेशा उनका ध्यान आकर्षित रहा है और होना भी चाहिए जी। और जो मेन मुद्दा है राम मंदिर के लिए, जैसे आप बता रहे हैं कि भी राम मंदिर बीजेपी का मेन एजेंडा तो है, एजेंडा मैं ये नहीं कह रहा एजेंडा नहीं है जी, परंतु जब भी कोई बात आती है सत्र में तो वहाँ विपक्ष खड़ा हो जाता है जी। कुछ लोगों ने, पिछली सरकारों ने कुछ अंतराल में कहा था, कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जी जी, कि राम लला राम ही नहीं है, राम सेतु के ऊपर एक चर्चा हुई थी कि तो राम सेतु कहाँ से आया जी जी, तो उनको उस चीज के लिए भी जब पूरा समाज खड़ा हुआ तो उनको अपना बयान वापस लेना पड़ा और उन्होंने माना, और ये तो नासा ने भी माना, अमरीका की एक बहुत बड़ी वो है शोध कंपनी, उसने भी माना कि नासा जो है कि राम जी है, राम सेतु है, अभी जो खुदाइयां हुई हैं, अभी एक रोड जो कितनी है। आप मानते हैं कि जो विपक्ष की पार्टियां वो कहीं ना कहीं राम मंदिर बनाने को लेकर वो कहीं ना कहीं विघन डाल रही, आप इस चीज को मानते हैं? हाँ, विघन डाल रही है, मैं मानता हूँ। मान लो सत्र में कभी कोई बात आती है तो ये लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी उनकी पता नहीं आस्थाएं मर चुकी हैं भगवान के प्रति, उनके क्या भाव है क्या विचार है ये तो मैं नहीं कह सकता, पर वैसे उनकी गलतियां हैं, वो अकेले खड़े रह जाएंगे, जनमानस राम मंदिर के साथ रहेगा। तो आप जो विराट सभा जो होने जा रही है, धर्म सभा जो होने जा रही है 9 दिसंबर को, आप इसको लेकर सभी भाइयों को, सभी लोगों को क्या संकेत देना चाहेंगे, अपने क्या विचार रखना चाहेंगे? मैं तो सभी भाइयों से एक अपील करता हूँ, वैसे तो इसमें अपील की कहीं गुंजाइश नहीं रही है, फिर भी मैं अपनी तरफ से एक हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप इस धर्म यज्ञ में हर बंदा आहुति दे, जिस दिन हिंदुस्तानी जाग उठेगा उस दिन टोपी वाला भी जय श्री राम बोलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। वो भी हम में से ही हैं, हम में से निकले हुए हैं,
उनको तो बहकाया बहलाया फुसलाया जा रहा है जिहाद के नाम पर, कोई वो करता है बसरते जब वो लोग जिहाद के नाम पे इकट्ठे हो सकते हैं तो हम भगवान श्री राम के नाम पे भी इकट्ठे हो सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुखबीर जी हमसे जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा इनकी बातों को सुनने के बाद। उन्होंने सभी भाइयों को संकेत दिए हैं, अपने विचार रखे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में 9 दिसंबर को रामलीला मैदान में पहुँचे और रामलला का मंदिर जरूर करें। कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ मैं अंकित शर्मा, फरीदाबाद।